हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ साबूदाना के स्टिक पापड़ की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसको आप भी अपने घर पर बना करके इजली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। साबूदाना का पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे हमें आधी कटोरी साबूदाना चाहिए। आप साबूदाना की क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद हमें इसको एक बड़े बर्तन में डालना है और इसको हमें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना जो है अच्छे से वॉश हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे जिस कटोरी से साबूदाना लिए थे उसी कटोरी से एक कटोरी यहाँ पे पानी डालेंगे और इसको ओवरनाइट सोख होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना जो है अच्छे से सोख हो चुका है। ये ओवरनाइट के बाद इजली मैश्ड भी हो जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम एक गैस पे एक बर्तन चढ़ाएंगे। बर्तन जो है मोटे तले का होने चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे इसी कटोरी से जिस कटोरी से साबूदाना लिए थे उसी कटोरी से हमें यहाँ पे 5 कटोरी पानी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हमें साबूदाने को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको ट्रांसपेरेंट कलर का होने तक अच्छे से इसको पका लेना है और इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे चिपकेगा नहीं। हमारा साबूदाना जो है जैसे जैसे पकते जाएगा वैसे साबूदाना ऊपर आते जाएंगे। इस चिप्स को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप इसको 15 से 20 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना जो है हल्का हल्का सा पकने लगा है। तो यहाँ पर साबूदाना जो है ऊपर आने लगा है और इसका कलर भी ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको थोड़ी देर और पकाना है और ये साबूदाना जैसे जैसे पकते जाएगा वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साबूदाने में अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हम यहाँ पे इसको अभी 5 से 7 मिनट तक और इसको पकाएंगे और इसको हमें चलाते रहना है, नहीं तो साबूदाना जो है नीचे चिपकने लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना जो है अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा साबूदाना जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे एक ग्राइंडर जार लेंगे और ग्राइंडर जार में डाल करके साबूदाने को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा साबूदाना जो है अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे बचे हुए साबूदाने को भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अभी तक हमने साबूदाना में कुछ भी ऐड नहीं किया था। यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। इसमें नमक जो है थोड़ा ही ऐड करें, पापड़ में सूखने के बाद पापड़ जो है कम हो जाते हैं और नमक ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे नमक की क्वांटिटी कम रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई सा भी फ्लेवर चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अजवाइन, जीरा, धनिया की पत्ती, चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक सिंपल सा पॉलीथीन ले लेंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक वाला, दूध वाला, कोई सा भी हो। मैंने यहाँ पे चीनी वाले पैकेट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम यहाँ पे साबूदाने के बैटर को इसमें पॉलीथीन में डालेंगे और इसको पॉलीथीन में नीचे से कट लगाएंगे और साबूदाना के स्टिक पापड़ बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ईजिली बन जा रहा है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इसको सूखने में 2 दिन का टाइम लगा था और ये अच्छे से सूख गया था और ये सूखने के बाद बहुत ही पतला हो जाएगा। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ को बना करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पे इसे बनाना बहुत ही आसान है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सारा पापड़ बनकर के रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, इस पापड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं। इसमें सिंपल नमक की जगह यहाँ पे आप सेंधा नमक का यूज करें अगर आपको व्रत में ये पापड़ खाने हैं तो। यहाँ पर अब हम इसको सूखने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद हमारा पापड़ जो है अच्छे से सूख चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये सूखने के बाद कितना पतला हो गया है। अब हम इसको गरम गरम ऑयल में डाल करके इस पापड़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पापड़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।